हेलो दोस्तों, लगातार आपकी तरफ से कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, या फिर हमें बिना पास किए ही नेक्स्ट उसमें क्लास में भेज दिया जाएगा। तो इसी तरह के लगातार क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ आप लोग पूछ रहे हैं। तो पहला जवाब तो एकदम क्लियर समझ लीजिए कि अभी वर्तमान तक ये DGT को भी क्लियर नहीं है कि आपके एग्ज़ाम कब तक होंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है ये कोरोना और उसका ये जो लॉकडाउन है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस कोरोना और लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में अब क्योंकि आप लगातार पूछ रहे हो, तो वैसे नॉर्मली किसी का भी बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि DGT को भी ये अपने आप में क्लियर नहीं है। तो अगर DGT ही डिसाइड नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में हम में से किसी का भी बताना, किसी भी चैनल का ये बोलना कि अब होंगे तब होंगे, वो गलत होगा। अब लेकिन क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ITI में, तकरीबन 10-11 साल पढ़ाते हुए एज अ टीचर, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दो सिचुएशन बता रहा हूँ कि उसके हिसाब से ही आपके जो एग्ज़ाम हो सकते हैं। पहली सिचुएशन ये है कि अगर ये जो कोरोना है, जो ये लॉकडाउन का है, मतलब ये कोरोना अगर ये आने वाले 15 सितंबर तक थोड़ा नॉर्मल होता है, क्योंकि प्रबल संभावना मुझे लग रही है कि 15 सितंबर तक ये धीरे धीरे कंट्रोल आना शुरू होगा, क्योंकि अभी तो पीक पे चल रहा है। आप देख रहे हैं लगातार इसके 1.5 लाख के ऊपर केसेस हो चुके हैं और 2 लाख के आसपास जा रहे हैं। तो अगर 15 सितंबर तक ये जो ऊपर गया, ये ढलान की तरफ आने शुरू हुए, यानी 15 सितंबर से चीज़ें कंट्रोल होनी शुरू हुई, तो ऐसी कंडीशन में इसकी प्रबल संभावना है कि जो आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे अक्टूबर के लास्ट तक और सितंबर के शुरू तक, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बैक वाले सबके निपट जाएंगे। तो पहला तो ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ ये कि अब ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, ये इस बात पर डिपेंड करता है, क्योंकि DGT लगातार सर्च कर रही है ऐसे कॉन्ट्रैक्टर की कि जो आपके ऑनलाइन सेंटर्स हैं उसको प्रोवाइड करवा के एग्ज़ाम लेने की जिम्मेदारी लेके उनका जो कोलोब्रेशन है वो हो जाए। तो इस तरह का MOU अभी तक किसी के साथ साइन नहीं हुआ है। तो अगर इतना इनको समय मिल गया और इस दौरान उनको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर मिल गया जो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने की क्लियरेंस मिल जाए उसे, तो ऐसे में फिर संभावना यही होगी कि जब आपके अक्टूबर या सितंबर के स्टार्टिंग में जब आपके एग्ज़ाम होंगे, तो शायद वो जो थ्योरी के वगैरह के सबके आपके ऑनलाइन हो जाए। तो ये प्रबल संभावना है। और अगर उस टाइम तक कोई भी ऐसा इनको वेंडर नहीं मिला कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम करा पाए, तो ऐसी कंडीशन में वो आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन ही होंगे, जैसे पहले अब तक होते आ रहे थे, उसी ट्रेडिशन से होते रहे। तो ये तो पहली सिचुएशन थी कि जब कोरोना हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 सितंबर तक धीरे धीरे ढलाव पे आ जाएगा, थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन बनती है कि अक्टूबर लास्ट नवंबर तक भी जो ये कोरोना के प्रॉब्लम है ये और बढ़ती गई, और जो आप देख रहे हैं ये लोग और इन्फेक्टेड गए, और ये जो 2 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं, ये 4-5-6 और पीक में जाने वाली सिचुएशन रही। तो ऐसे कंडीशन में फिर जो DGT को वो चाहकर भी इस साल वो एग्ज़ाम नहीं करा पाएगी, तो ऐसे में फिर एक सिचुएशन निकलेगी कि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं इनका एग्ज़ाम डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर कराया जाए जुलाई अगस्त में, यानी जब इनके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे उसी दौरान इनके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी, दोनों एग्ज़ाम एक साथ जुलाई अगस्त में ही करवा दीजिए 2021 में। क्योंकि जैसा आपको पता है अभी वर्तमान में ईयरली सिस्टम है, आपका ईयर में एक बार एग्ज़ाम होता है, यानी हर 2 साल में आपके 2 एग्ज़ाम होकर आपके क्लियर होता है। उससे पहले सेमेस्टर सिस्टम था, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते थे, और उससे पहले 2 साल में केवल एक बार एग्ज़ाम होता था। तो यानी कि अब चीज़ समझ में आ रही है कि अगर इस अक्टूबर नवंबर तक भी ये कोरोना कंट्रोल में नहीं आया, तो ऐसे कंडीशन में तो फर्स्ट ईयर वालों को तो ये निपटा के भेजेंगे नेक्स्ट ईयर में, कि भैया जब नेक्स्ट ईयर में आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दोगे उसके साथ साथ आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी दे देना। तो ऐसे कंडीशन में आपकी मार्कशीट में सारे नंबर वैसे के वैसे ही आएंगे एग्ज़ाम देने के बाद के, क्योंकि अगर ऐसा ना पॉसिबल नहीं है कि आपको बिना एग्ज़ाम क्लियर करे आपको सेकेंड ईयर में भेज दें, क्योंकि वहाँ पर आपकी मार्कशीट में क्या चढ़ाएंगे, ठीक है। और केवल सेशनल के बिहाफ पे आपको आगे भेज दिया जाए, इसके मुझे नहीं लगता कि DGT ऐसा कोई डिसीजन लेगी। सबसे प्रॉब्लम मेन डिसीजन मुझे यही लग रहा है कि वो यही कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर वाले को तो वहाँ भेज दिया। अब जो सेकेंड ईयर वाले होंगे और जो बैक वाले होंगे, इन लोगों का एग्ज़ाम होने की संभावना तब क्या हो जाएगी, तब ये इसको भेज देंगे फरवरी मार्च में, कि अगर अक्टूबर नवंबर तक भी ये पीक पे रहा तो फिर ये 2-3 महीने और एक्सटेंड मान के चलेंगे कि यार चलो अगर ये दिसंबर तक भी कंट्रोल हो गया तो फरवरी मार्च तक हम ये सेकेंड ईयर वालों के और बैक वालों के एग्ज़ाम इनको करवा देंगे। तो यानी दूसरी सिचुएशन में जो सेकेंड ईयर वाले होंगे और जो बैक वाले होंगे उनका फरवरी मार्च में ही ये एग्ज़ाम हो जाएगा, और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं ये अपना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एग्ज़ाम डायरेक्ट जुलाई 2021 में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के साथ देंगे। अब सवाल ये है कि जो फर्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर वाले एग्ज़ाम देंगे या जो बैक देंगे, ये उस टाइम ऑनलाइन देंगे कि ऑफलाइन देंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो वेंडर ये ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए। तब तक अगर इनको मिल गया तो ये श्योर है फिर ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम ही कराएंगे, चाहे वो बैक होगा चाहे वो सेकेंड ईयर वालों का होगा।
ठीक है ना। और अगर तब तक भी कोई वेंडर इनको नहीं मिला, इनकी तालमेल नहीं हुआ किसी भी वेंडर से, MOU साइन नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में फिर सेकेंडरी वालों का और जो बैक वालों का फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम होना का वो आपका ऑफलाइन होगा, जैसे पहले ट्रेडिशन से होता था वैसे ही होगा। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है कि जो मैं फ्यूचर देख के जो एनालिसिस करके उस हिसाब से बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन अगर आप दोनों सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार कर लें तो ये सबसे बेस्ट रहेगा कि भाई अगर आपके एग्ज़ाम अक्टूबर, आप मतलब आप ये मान के चलें आपके एग्ज़ाम जो हैं ये अक्टूबर 31 तक निपट जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में आप अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, किसी भी तरह की कोर गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, और ये भी मान के चलना कि ऑनलाइन होंगे, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं, और अगर आप उसके बाद आपके एग्ज़ाम एक्सटेंड होकर फर्स्ट ईयर वालों के सेकेंड ईयर में गए और सेकेंड ईयर वालों के फरवरी मार्च में गए, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी तैयारी हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप पहले से ही मान लेंगे कि नहीं सेकेंड ईयर वालों फर्स्ट ईयर वाले एग्ज़ाम तो नेक्स्ट ईयर में होंगे और जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनके तो भाई एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होंगे, और सडनली कोरोना कंट्रोल में आया और अक्टूबर और नवंबर के स्टार्टिंग में अगर एग्ज़ाम हो गए तो फिर आप रोते फिरोगे, तो ये मानकर आप चलें। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपको क्या लगता है कि ऐसे होने की संभावना कितनी है, क्योंकि मैं तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं और जिस तरह से डिजिटली डिसीजन लेती है उसके हिसाब से बता रहा हूं, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपका क्या मानना है, आप क्या कहते हैं इस बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।